नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल किचन हाउस में। तो आज हम बनाएंगे पोटैटो लॉलीपॉप। चलिए शुरू करते हैं। पोटैटो लॉलीपॉप बनाने के लिए हम सबसे पहले 10 से 12 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लेंगे। आलू की इतनी क्वांटिटी 5 मेंबर के लिए सफिशिएंट है। उबालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छे से मैश कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 छोटी कटोरी ब्रेड क्रम्स, देख सकते हैं आप कटोरी के साइज़ को, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच आमचूर्ण पाउडर, चम्मच का साइज़ देख सकते हैं आप लोग, और 3 टेबल स्पून नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे मिला लेना है, हाथों से इसे मैश करें ताकि अच्छी तरह से ये मिल जाए। और अब हम मैदे का घोल तैयार करेंगे। 1 छोटी कटोरी मैंने मैदा लिया है, इसमें पानी डालकर इसे मैंने इसका घोल बना लिया है और इसमें 1 चुटकी नमक ऐड किया है। और अब एक प्लेट में लेंगे ब्रेड क्रम्स, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑर्गेनो और 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हम आलू के बॉल बनाएंगे। छोटे छोटे बॉल बनाना है लॉलीपॉप साइज़ के, देख सकते हैं आप। और अब हम इसे मैदे के साथ डिप करेंगे और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स में डालकर इस तरह से इस पर ब्रेड क्रम्स लगा देना है अच्छी तरह से। और अब इसे हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेना है और इस तरह कर लेना है। इसी तरह हम सारे बॉल को तैयार कर लेंगे। और अब हम बॉल को फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके बॉल को डालेंगे तेल में। धीरे धीरे हमें इसमें रख देना है। तरह से हमें इसे फ्राई कर लेना है बॉल को। लॉलीपॉप तैयार है हमारा। और अब हम इसमें डालेंगे स्टिक को। इस तरह से हमें स्टिक डाल देना है। और अब हम इसकी व्हाइट चटनी बना लेंगे। व्हाइट चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी दही, 2 बड़े चम्मच मेयोनीज, 2 बड़े चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याज मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए और थोड़ा सा हरा धनिया। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो चटनी हमारी तैयार है। पोटैटो लॉलीपॉप को व्हाइट चटनी के साथ आप खाएं, ये आपके बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी। लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।